वैदिक ज्योतिष में राजयोगों को एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। कहा जाता है कि वे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों के विशिष्ट संयोजन होते हैं जो शुभ परिणाम दे सकते हैं। यह योग सफलता, प्रसिद्धि और शक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। मिथुन राशि में आज महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। आज यानी 27 मार्च को महालक्ष्मी का राजयोग बना। यह योग मंगल और चंद्रमा की युति से बनेगा। इस योग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन राशि चक्र की कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस महालक्ष्मी राजयोग से धन लाभ मिलने की संभावना है। तो आइए जानते हैं। पहली राशि मेष राशि। मंगल और चंद्रमा की युति से बन रहा महालक्ष्मी राजयोग मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। मेष राशि के जिन जातकों को पैसा काफ़ी समय से अटका हुआ है उसका धन वापस मिलने की संभावना है। धन संबंधी यात्रा करने से लाभ होगा। जो लोग ट्रैवल के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। जीवन में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होने की संभावना है। वृश्चिक राशि। जी हाँ, मंगल और चंद्रमा की युति वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली साबित होगी। इस राशि के जातकों को धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान भी मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक मीडिया, फिल्म, ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े लोग बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। नई नौकरी के अवसर भी मिलने की संभावना है। जो जातक अविवाहित हैं उन्हें जीवन साथी भी मिल सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी महालक्ष्मी राजयोग काफ़ी लाभकारी साबित होगी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में सुख साधना बढ़ेंगे। नौकरी में पदोन्नति और वृद्धि के योग भी दिख रहे हैं। व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है। कर्क राशि के जातकों को निवेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये तीन राशियां हैं जिनको बहुत फ़ायदा महालक्ष्मी राजयोग के दौरान मिलता नजर आएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।